हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंतर्गत टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके एमसीक्यूज करेंगे। और आपका ये टॉपिक जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये HSSC TGT और आपका HSSC CET मेंस एग्ज़ाम जो होना है उन दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो आपका 10 मार्क्स की है इसमें TGT में, और ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस आपके HSSC CET में भी है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? कौन से वर्ष में शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अस्तित्व में आया? ए 1992, बी 1978, सी 1980 और डी जो है 1987। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1980। इन द ईयर 1980 द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ सेकंड वन, इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्टेड बाय द UN जनरल असेंबली? कौन से साल में यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लिखा हुआ है CSD, उसको शुरू किया गया था UN जनरल असेंबली के द्वारा। ए 1995, बी 1994, सी 1993 और डी 1992। तो राइट आंसर है आपका डी 1992, 1992 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स? निम्नलिखित में से कौन से को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स के रूप में जो है इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है? ए कैरिंग कैपेसिटी, बी जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी, सी इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, डी नन ऑफ द अबव। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स के रूप में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, तो इसमें आंसर रहेगा आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अगला है, व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर लैंडस्केपिंग? लैंडस्केपिंग के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है? ए रिडक्शन, बी रेस्टोरेशन, सी रिमूविंग टॉप सॉइल और डी नन ऑफ दीज। लैंडस्केपिंग के लिए अन्य शब्द कौन सा है इनमें से? वो है रेस्टोरेशन, ऑप्शन बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट डज ए फर्म सीक फॉर व्हेनेवर द प्राइस ऑफ द मिनरल रिमेन्स हाई? What does a firm seek for whenever the price of the mineral remains high? A new countries, B remains the same, C new miners or D new deposits? The right answer होगा आपका new deposits। अब चलते हैं हम question number 6 की तरफ। Question 6 है, after mining, comma, the huge holes left behind are used for dash? A waste water storage, बी वेस्ट एंड वाटर स्टोरेज, सी वेस्ट डिस्पोजल और डी वेस्ट स्टोरेज। तो माइनिंग के बाद जो ह्यूज होल्स जो पीछे रह जाते हैं उनका इस्तेमाल जो है वेस्ट डिस्पोजल के रूप में किया जाता है, ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, डैश इज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस ऑफ ऑल रिसोर्सेज विच सराउंड अस? निम्नलिखित में से कौन सा टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस है ऑफ ऑल रिसोर्सेज का, सभी रिसोर्सेज का विच सराउंड्स अस, जो हमारे चारों तरफ होते हैं? तो ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी एनवायरनमेंट, सी इंफ्रास्ट्रक्चर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस ऑफ ऑल रिसोर्सेज विच सराउंड अस, एनवायरनमेंट इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज द स्टडी ऑफ डैश बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स? ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी इंटर रिलेशनशिप, सी एनवायरनमेंट, डी नन ऑफ द अबव।
तो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, वो बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके मध्य इंटर रिलेशनशिप की स्टडी है। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑप्शन बी इंटर रिलेशनशिप इज राइट। नाउ नाइन्थ वन, डैश इम्प्लाइज दैट द वेस्ट जनरेटेड इज विद इन द एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ए इंटर रिलेशनशिप, बी कैरिंग कैपेसिटी, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी नन ऑफ द अबव। डैश एम्प्लाइज दैट द वेस्ट जनरेटेड, कि जो वेस्ट जनरेट किया जाता है इज विद इन द एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ए इंटर रिलेशनशिप, बी कैरिंग कैपेसिटी, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी इम्प्लाइज दैट द वेस्ट जनरेटेड इज विद इन द एसिमिलेशन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। नाउ क्वेश्चन 10, डैश ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई। किसके जो नेगेटिव एनवायरनमेंटल प्रभाव जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ए कैरिंग कैपेसिटी, बी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डी नन ऑफ द अबव। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई। ऑप्शन सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। कौन सा जो है उस डेवलपमेंट को इंगित करता है जो कि वर्तमान जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को मीट करता है बगैर कॉम्प्रोमाइज किए, जो भावी पीढ़ी है उनकी जो नीड्स हैं उसको मीट करने की एबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। तो डैश रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। तो ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जो कि वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं उनको मीट करता है और वो फ्यूचर जनरेशन की जो आवश्यकताएं होंगी उसकी योग्यता से कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। ए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी ग्लोबल वार्मिंग, डी नन ऑफ द अबव। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द डैश एम्फेसाइजेस ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। कौन सी चीज जोर देती है फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने की। ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी ब्रुंटलैंड कमीशन, सी एनवायरनमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो ब्रुंटलैंड आयोग है, ब्रुंटलैंड कमीशन जो है वो ये जोर देता है कि फ्यूचर जनरेशन को जो है प्रोटेक्ट करना ही करना है। बी ऑप्शन इज राइट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ MCQs कर दिए। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।